And we are discussing real numbers, and this is video lecture number 10. I hope you have already watched part 1 to part 9 before watching part 10. अभी तक आपने रियल नंबर में जो कुछ भी पढ़ा है पढ़ के खूब आनंद आया होगा, और आज इस चैप्टर का आखिरी लेक्चर है, और इस लेक्चर में हम लोग जो बचे हुए क्वेश्चन हैं उसको करने की कोशिश करते हैं, और थोड़ा और कुछ नई बात भी सीखेंगे. ठीक है, तो ये क्वेश्चंस थे कि राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दोज रैशनल नंबर्स इन क्वेश्चन नंबर 1 अबव व्हिच हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन. टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, तो इनका जिनका टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है उसको आपको लिखना है. तो ये 13 अपॉन, जैसे पहला क्वेश्चन है लिखा है 13/5, इसका आपको डेसिमल एक्सपेंशन लिखना है. तो ये 5 to the power 4 था नीचे, है ना, इसको 13/5 कितना था, 5 था, है ना, 5 to the power 5. तो 5 to the power 5 है, इसे 2 to the power 5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दे तो ये हो जाएगा 13 × 2 to the power 5 का मतलब 32, और नीचे ये हो गया 5 × 2 का पावर 5. तो ये हो गया, दोनों का पावर 5 लिख दिया. अब 13 × 2 = 26 कैरी 2, एंड 13 × 3 = 39, एंड 2 = 41, इतना हो गया. नीचे हो गया 10 to the power 5, 10 to the power 5 का मतलब हो गया कितना, 0, 5 0, है ना. तो आप क्या लिख सकते हैं इसको, 0.00416, 5 डिजिट, 1 2 3 4 5 डिजिट. तो ये इसका डेसिमल एक्सटेंशन हो गया, एंड दैट टर्मिनेट्स. ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है 17/8. अब यहाँ पे भी देखिए 17 है और ये 8 है, तो 8 को 2 to the power 3 लिख सकते हैं. अब इसमें 5 to the power 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा 17 × 125 डिवाइडेड बाई 2 × 5 to the power 3, दैट विल कम 17 × 5 = 85, 8 17 × 2 = 34, 8 = 42, 4 and 17 and 4 = 21, divided by 10 to the power 3. 10 to the power 3 is 1000, so that will be 2.125, है ना. तो ये आंसर आ जाएगा इस तरह से. अब तीसरा जो था वो नॉन टर्मिनेटिंग था, तो उसको नहीं लिखना है, आपको लिखना है सिर्फ किसका, जो राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दोज इरेशनल नंबर which is terminating decimal expansion. इसका terminating नहीं था, इसलिए इसको लिखने की जरूरत नहीं. इसका terminating था, तो इसको लिखने की जरूरत है. 15/1600. So what will happen? 15/1600. तो 1600 को क्या लिख सकते हैं? ये देखो 100 तो है ही है. 15/16 × 100. ये 2 to the power 4. हमें नीचे डेसिमल ये 100 बनाना है, तो ये 2 to the power 4 है. अगर 5 to the power 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 100 पहले से, तो ये बात बन जाएगी. तो 5 to the power 4 का चाहे इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं पहले, तो ये हमने लिख दिया, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो तो 5 to the power 3 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं. सो व्हाट विल हैपन, यहाँ पे देखिए इसको हमने लिख दिया 5 × 3, और इसको लिख दिया 2 का पावर 4 × 5² × 2², है ना. तो एक 5 से एक 5 तो कैंसिल हो गया. अब आपके पास ऊपर में बच गया है 3, और नीचे में बच गया 2 to the power 6 एंड 5 का पावर 1. तो हमें 2 का पावर 6 है, तो हमें 5 का पावर 5 और चाहिए ऊपर में, और नीचे में भी 5 का पावर 5 चाहिए, है ना. तो ये क्या हो जाएगा, ये 5 का पावर 6 हो जाएगा. 5 का पावर 5 का मतलब हुआ 3125, 3 × 3125, और नीचे हो गया 2 × 5 का पावर 6, ये हो गया 25, 3 = 75, एंड दिस इज 3 एंड दिस इज 9, डिवाइडेड बाई 10 to the power 6, दैट इज 60, राइट ना. सो दैट विल बी 0.009375, एंड दैट विल बी आंसर. नाउ द नेक्स्ट वन इज, अगला क्या, अगला है ये नॉन टर्मिनेटिंग था तो इसको नहीं रिप्रेजेंट करना, ये टर्मिनेटिंग है.
23 upon 2 to the power 3, 5 to the power 2. 23 upon 2 to the power 3 and 5 to the power 2. दोनों के पावर सेम करने हैं, तो इसको हम लिख देंगे कैसे, 23 into 5 का पावर यहाँ पे 2 ही है और यहाँ पे 3 है, so 3 है यहाँ पे 2 है, तो इसको भी 3 करने के लिए 5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो गया 5 का पावर 2 into 5 यानी 5 का पावर 3 हो जाएगा, ये हो गया 5 and 5 to जब 10 and 1 15 and ये हो गया 2 into 5 to the power 3. So what is that? In fact, this is 115 upon 10 to the power 3. 115 upon 1000. That is 0.115. ये आंसर आ गया. 0.115. अगला सवाल क्या है? देखते हैं. ये 7th था. 6th था ये. और 7 non-terminating है. 8 terminating है. 6 by 15. So this was 6 और 8 है हमारा, 8th question है 6 by 15. 6 by 15 को हमने क्या किया था, पहले simplify किया था, तो simplify करोगे तो क्या होगा, ये 3 2 जा 6 and 3 5 जा 15, 2 by 5, इसको 10 करने के लिए ऊपर नीचे 2 से multiply कर दो, ऊपर हो गया 4, नीचे हो गया 10, 0.4 आंसर, ठीक है, ऐसे तो नीचे 10 आपको लाना है, so that you can without actual division you can just put the decimal place. 35 by 50, ninth question है 35 by 50, 5 से divide कर दिया, 7 by 10, 0.7, तो इसमें आगे करने की जरूरत ही नहीं, और 10th जो था वो non-terminating था, तो उसको भी लिखने की जरूरत नहीं. तो इस तरीके से जिसका डेसिमल एक्सपेंशन हो सकता है विदाउट एक्चुअल डिवीजन, हमने उसका डेसिमल एक्सपेंशन कर दिया है ना, विदाउट एक्चुअल डिवीजन डेसिमल एक्सपेंशन उनका हमने कर दिया. तो इस तरीके से क्वेश्चन, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फॉलोइंग रियल नंबर्स हैव डेसिमल एक्सपेंशन एज गिवन बिलो, इन ईच केस डिसाइड वेदर दे आर रैशनल और नॉट. If they are rational and of form of p by q, what can you say about the prime factors of q? So definitely if it is rational, then prime factors of q must be either 2 and 5 for terminating decimal representation or anything else when it is non-terminating but repeating. So this is 43. First question is given. 43.12345678 9, and it is terminates, so that will be a rational number. This expansion, whatever the things is written, that is a rational number because it terminates, since it is what, terminating decimal representation, terminating decimal representation, decimal representation, it has terminating decimal representation. The second one is what, if I can represent this 1 2 3 4 5 6 7 8 9, then I can write it like this 4 3 1 2 5, 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 divided by how many zeros, 9 zeros, 3 4 5 6 7 8 9. So further it can be written as, this can be written as further 43 1 2 3 4 5 6 7 8 9 divided by 10 to the power 9, and that is 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9, that can have 2 to the power into 5 to the power 9, that is 2 to the power 9 and 5 to the power 9. So q, this can be represented in form of q, where what you say about prime factor of q, so prime factor of q is 9, 2 to the power 9 and 5 to the power 9, so prime factor of q is 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9
4, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. That is 2 to the power 9. 2 is a prime number, and 5 to the power 9. 5 is also a prime number. Right now? And the second question is 0.12 0.12 0 1 2 0 0 1 2 0 0 1 2 0 0 1 2 4 0. This kind of representation, you know, this is not a prime number, but this is not a rational number, it is a irrational number, because it is non-terminating dot 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 ka matlab ki aage bhi ja raha hai aur repeat bhi nahi ho raha. It is non-terminating, terminating, non-repeating, non-repeating. So this is an irrational number. और यहाँ पे बार दिया हुआ है, इसका मतलब ये रिपीट हो रहा है. 43, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. तो ये जो नंबर लिखा हुआ है थर्ड, वो क्या है? 43.12345678 9. ये बार लिखा हुआ है, इसका मतलब ये हुआ कि ये हो गया 43.12345678 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. इस तरीके से ये आता रहेगा, तो ये रिपीट हो रहा है. सो दैट फर्दर कैन बी रिटन एज 43. इसको हम रिप्रेजेंट, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल से, तो दिस इज ए टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन. एंड नॉन टर्मिनेटिंग, सॉरी, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल्स, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग. And therefore it is a rational number. और अगर इसको आपको मल्टीप्लाई करना है तो 10 टू दी पावर 9 x से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आ जाएगा, है ना? So that can be further written as, अगर इसको p by q के फॉर्म में लिखना हो तो आप लिख सकते हो x is equal to like this. 41.12345678 9 एंड 1, 2, 3, 4 और भी आता रहेगा. तो इसको 10 टू दी पावर 9 एक्स से मल्टीप्लाई करें तो ये 9 पोजीशन इधर शिफ्ट हो जाएगा. 43, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0.12 आएगा फिर. ठीक है, अब इस सेकेंड में से फर्स्ट को माइनस कर लें, तो पॉइंट के बाद जो चीजें हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, वो इसमें भी आएगा, इसमें भी आएगा, कैंसिल हो जाएगा. और ये हो जाएगा 10 टू दी पावर 9 एक्स माइनस एक्स इज इक्वल टू 43, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 माइनस 43. एंड देयरफॉर ये हो जाएगा एक्स इज इक्वल टू 10 टू दी पावर 9 है तो 8 बार आएगा, 9 बार 9 आएगा, है ना? सो इट विल बी 43 यानी 6, 8 में से 4 गया 4 और ये मिल गया 4, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 4, 6, 7, 4, 6, 4, 6 डिवाइडेड बाय हाउ मेनी नाइन्स, 9 बार 9. ये सब्ट्रैक्ट हो करके मिल जाएगा 9 बार 9, 2, 4, 6, 8, 9. ये हो गया आंसर. तो ये इसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन हो गया. और इस तरीके से ये चैप्टर के सारे, इसको पी वाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं. अभी देख लेंगे कि 3 से अगर कैंसिल हो रहा होगा तो कैंसिल कर देंगे. 3 से कैंसिल हो रहा है कि नहीं हो रहा है ये कैसे पता चलेगा? डिजिट को सम करने से. तो देखो 6 plus 4 10, 10 plus 7 17 and 6 23 and 5 28 and 4 32 and 3 35 to 37 38 and 3 41 and 3 44. ये 3 से डिवाइड नहीं हो रहा, इसलिए 3 से डिवाइड नहीं हो. 11 से डिवाइड होगा क्या, ये चेक कर सकते हैं. 11 से डिवाइड हो सकता है, ये नीचे वाला ही नहीं होगा क्योंकि 9 बार 2, 4, 6, 8, 9. और जो 3 से डिवाइड हो रहा है वो 9 से भी डिवाइड नहीं होगा. 3 से ही नहीं डिवाइड हो रहा तो 9 से भी डिवाइड नहीं होगा. तो ये नंबर हो गया कुछ इस तरह का 43, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 4, 6 डिवाइडेड बाई 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9. यही इसका फॉर्म है और यही इसका आंसर है. तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी अच्छी तरह से, कि नहीं? तो इस चैप्टर में क्या क्या सीखे? इस चैप्टर में सीखे कि रियल नंबर क्या है, रियल नंबर के रिप्रेजेंटेशन कैसे होते हैं,
उसके तरह तरह से अलग अलग वैरायटी में नंबर्स क्या है, और उन सारी चीजों को आपने अच्छी तरह से सीख लिया। रैशनल नंबर का रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, इरेशनल नंबर का रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, आखिरी में जो दो तीन थ्योरम थे वो भी सीख लिए, है ना। तो ये चैप्टर में जो मुख्य बातें थी वो सब कुछ आपने सीख लिया। थोड़े खुद से प्रैक्टिस करने की जरूरत है, थोड़ा प्रैक्टिस करना, जो आपको बुकलेट दी गई है उस बुकलेट से क्वेश्चन कर लेना, और जो आपको असाइनमेंट वगैरह चाहिए और तो आप बोल देना और असाइनमेंट दे दिया जाएगा। आप इसको अच्छी तरह से कर लीजिए। और डाउट तो ये चैप्टर हमारी ओर से खत्म हुआ, ठीक है। जो 10th क्लास की रिक्वायरमेंट थी उसपे सारे तरह के क्वेश्चन डिस्कस हो गए। सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस जो और आपको करने हैं तो बुकलेट में दिए गए हैं, उसको आप वहां से पिक कर सकते हैं और कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए आपको, ठीक है। अगर दिक्कत आती है तो दोबारा वीडियो को, सारे वीडियो को एक बार दोबारा देखें और तब फिर क्वेश्चंस करें। आई एम श्योर कि आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी और चैप्टर में खूब मजा आने लग जाएगा। तो होपफुली आपको अच्छी तरह से ये समझ में आ गया। गॉड ब्लेस, कीप वॉचिंग एंड डू सब्सक्राइब आवर चैनल, ऑल्सो रिकमेंड टू योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एज वेल। और उसके बाद सबको बोल दें कि भाई एक बेल जो है वो भी दबा दें ताकि आपको पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। सब्सक्राइब कर लें। गॉड ब्लेस, मुलाकात होती है, ठीक है।